हेलो दोस्तों, मल्ली एसएससी में स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल टीयर वन के क्वेश्चन, जो 2016-17 में आए हुए क्वेश्चन है, शिफ्ट 3 के क्वेश्चन है, और ये 16 अगस्त से के क्वेश्चन आए हुए हैं, सब शिफ्ट 3 में आए हैं। आज देखते हैं जीके के क्वेश्चन जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, डेविड वार्नर इज ए क्रिकेट प्लेयर ऑफ विच कंट्री। तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं डेविड वार्नर। आगे चलते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी इन विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक दोस्तों भारत में लागू नहीं हुआ है, आर्टिकल 360 में इसका जिक्र है और ये अभी तक लागू नहीं हुआ है और लगाया नहीं गया। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन ह्यूमन ब्रेन, कितने पार्ट होते हैं मानव मस्तिष्क में? तो ये 3 पार्ट होते हैं मानव मस्तिष्क में। आगे चलते हैं, हु इज मतलब रडार के खोज के किसने किया है? तो देखते हैं, हेनरिक हर्ष ने इनका रडार का आविष्कार किया है, खोज किया है। आगे चलते हैं, लॉन्गेस्ट बुलेट ट्रेन इन विच कंट्री। तो लॉन्गेस्ट बुलेट ट्रेन कहाँ पे है? चाइना में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, हु वाज द अवार्डेड पद्मा विभूषण इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक के फील्ड में पद्म विभूषण किनको मिला है? तो के येसुदास को मिला है, येसुदास, के जे येसुदास को मिला है। और ये पद्मश्री और पद्म विभूषण से क्वेश्चन एक रह रहा है हर शिफ्ट के एग्जाम में। तो आप 2016 से 17 के बीच में जो भी पद्म विभूषण और पद्मश्री के आविष्कार जिनको मिला हुआ है अवार्ड, तो आप उसको एक बार मतलब जो भी जी किताब में देख लीजिए या करेंट के किताब में देख लीजिए। आगे चलते हैं, द ऑटोबायोग्राफी सुटेबल वाय इज रिटन बाय विक्रम सेठ। जो भी बुक ऑन ऑथर का मैंने वीडियो दे बनाया हुआ है 2 पार्ट में, तो आप इसे देख लीजिए, इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे चलते हैं कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, किसने इलेक्ट्रॉन का खोज किया है? तो जे थॉमसन। ये क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं हर एक एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, व्हाट इज द एन एड्रेनल एड्रिनल एड्रिनल क्या है? तो हमारे शरीर में जो हार्मोन होता है वो, उसका नाम है एड्रिनल। और पूना पैक्ट वाज हेल्ड बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। जो पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द दीज इन नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में से कौन नहीं है? तो प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है। आगे चलते हैं, कार्बोलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज फिनॉल। फिनॉल को क्या कहते हैं दोस्तों? कार्बोलिक एसिड कहते हैं और इस नाम से जानते हैं। इसमें एसिड की मात्रा होती है फिनॉल में, जो हम लोग घर घर के साफ सफाई में और जो भी हॉस्पिटल वगैरह में देखते हैं फिनॉल का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, इंडियन फॉरेस्ट आर मोस्टली ऑफ विच टाइप। तो इंडियन फॉरेस्ट क्या होते हैं? मोस्टली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, व्हेन द लाइट गोन फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट इज कॉल्ड रिफ्रेक्शन। और इसको क्या कहते हैं? जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन इज रिलेटेड टू, किससे है? मेघा पटनायक। दोस्तों मेघा पटनायक जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। ये 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा एक बार। आगे देखते हैं, विच कंट्रीज नॉट ए मेंबर ऑफ IROA। IRO के कौन सा कंट्री जो है मेंबर नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ था चाइना, उसमें मेंबर नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, विच इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटीज, इनमें से कौन फंडामेंटल, कितने नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी? तो हम बता देते हैं दोस्तों, ये 6 प्रकार का फंडामेंटल ड्यूटी डिस्कस किया गया है हमारे भारतीय संविधान में, तो आप लोग इस फंडामेंटल ड्यूटीज को एक बार देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, हु एबोलिश सती प्रथा इन इंडिया। सती प्रथा को किसने खत्म किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, लॉरेंस कर्व इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को क्या कहा गया है? लॉरेंस ऑफ कर्व कहा गया है, रिलेटेड संबंधित है उससे। आगे देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द मिनिमम फेयर ऑफ उड़ान स्कीम। जो उड़ान स्कीम में कितना मिनिमम फेयर होते हैं? तो उसका कितना है? 2,500 फेयर होते हैं।
आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे हम जो भी शिफ्ट जो भी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होते रहेगा उसमें से जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन जीके जीएस का रहेगा हम आपको डिस्कस कराते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। कैसा लग रहा है आपको, हम इसे पता चल पाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।